बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। आज की जो हमारी वीडियो है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के एक ज़बरदस्त डिपार्टमेंट में बहुत सी असामियों को ऐलान किया गया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, एज़ यूजुअल जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि educative.com गूगल पर जाकर यहाँ पर ऐसे टाइप करना है, तो आपके सामने इस तरह के कुछ लिंक्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप अपने मुतलका रिलेटेड जो लिंक है यहाँ पर वो क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं होम पेज के थ्रू सर्च करने के। तो यहाँ पर एजुकेटिव्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक होम पेज जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये डिफरेंट जो है वो टैब्स भी बने हुए हैं, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें यहाँ पर सर्चिंग की, यहाँ पर एंटर कीवर्ड टू सर्च, आप यहाँ पर भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको जो है वो मिल जाएगा। अब टुडे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी जॉब यहाँ पर भी आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता तो सिंपल आपने लिखना है एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी लिखेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम एटॉमिक एनर्जी की आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी अगर लिखेंगे, देखें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एटॉमिक एनर्जी जॉब्स, यहाँ पर ये टैग है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तमाम जितनी भी और भी काफ़ी तादाद में जो है वो एटॉमिक एनर्जी की जॉब जो है वो अनाउंसमेंट हुई भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज जो है वो शो हो जाएगा, जहाँ पर हम बात करते हैं उसकी डिटेल। अब जॉब लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगी। पब्लिश डेट इसकी है 9 सितंबर 2020, लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 20 सितंबर 2020। न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है, परमानेंट जॉब होती है और एज मैक्सिमम 35 ईयर्स ओल्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसीज की, तो जनरल मैनेजर है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसके लिए क्वालिफिकेशन ये रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजर है, सेम है, उसके बाद सेम एज अबव, ये वाली सेम क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है वो फॉल करेगी। अब असिस्टेंट मैनेजर है, उसके लिए यहाँ पर देखें ये कम्प्लीट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर है वो भी यहाँ पर सेम है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीटेक ऑन्स बीटेक पास, उसके बाद 3 ईयर DAE वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है, सेम एज अबव सेम सीट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी सबसे अच्छी बात यह है कि ये वाले सीट्स मेंशन नहीं करते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इनकी सीट मेंशन नहीं होती, लेकिन काफ़ी तादाद में जो है वो इनके वैकेंसी अनाउंसमेंट की जाती है। अब एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल मैनेजर है, उसके बाद जो है वो क्वालिफिकेशन ये है, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद जो प्रेफरेबल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनके पास ये स्किल्स होने चाहिए। फिर असिस्टेंट मैनेजर है, उसके लिए ये है, कोई भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, उनके पास इन चीज़ों का जो है वो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेबल स्किल्स, मतलब ये अगर आपके पास होगा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और सिर्फ इन जो है वो जॉब्स के लिए असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और जनरल मैनेजर, इनकी जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। फिर टेक्निकल ऑफिसर है, इसके लिए भी जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर टेक्निकल ऑफिसर है जिसके इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो है वो तरतीब दे दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता चलूँ आपके साथ, पूरे एकेडमिक करियर में आपकी सिर्फ एक मरतबा सेकेंड डिवीजन जो है वो चल सकती है, तो वो भी नॉट लेस देन 50%। अब उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेंट जो है उनके फर्स्ट डिवीजन फाइनल डिग्री जो उनकी लेटेस्ट डिग्री है उसमें फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो है वो थर्ड डिग्री वाला जो थर्ड जो है वो डिवीजन वाला अप्लाई नहीं कर सकता, और बाकी जो है सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड को बुलाया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन का तरीका जो है वो अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड यहाँ पर ये कंप्लीट जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे डिटेल भी देख सकते हैं उनकी सारी की सारी है। अगर जिनका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ तो सबसे पहले वो रजिस्टर करेंगे, अगर जिनका हुआ हुआ है वो लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह जो है वो आपने रजिस्टर करके लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन कर लेनी है। अब इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ कि आप लिखेंगे टेक एंड रिसर्च, ठीक है, जॉब्स एजुकेटिव्स, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये लिखते हैं, अगर आप यहाँ पर ये कंप्लीट लिखते हैं, कंप्लीट लिख के यहाँ पर जो है वो आप सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट एक वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट एक वीडियो है, 14 मिनट की है, 48 सेकेंड, ये कंप्लीट एक वीडियो है कि आपने एटॉमिक एनर्जी टेक एंड रिसर्च में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह जो है वो इसको सर्च भी कर सकते हैं।
तो इस तरह की और भी लेटेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट जो है वो अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप हमें जो है वो आपको जितनी भी ईमेल्स हैं वो मिलती रहें तो आप यहाँ पर आप हमारे जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको हर तरह की जो है वो ईमेल मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के साथ। तो ये थी आज की हमारी एक कंप्लीट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर चाहिए और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए अल्लाह।